हेलो फ्रेंड्स, शैलजा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो खाने बहुत ही टेस्टी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कटोरी हमने आटा ले लिया है, उसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, नमक, एक स्पून ऑयल डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे, हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सख्त आटा लगाएंगे इसका। हल्का सा ऑयल लगा के थोड़ा उसे चिकना कर देंगे, 15 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम फिलिंग बना लेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा पका लेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, वो भी थोड़ा भून लेंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी पक जाए हमारा। बारीक कटी हुई हमने गाजर डाल दिया है, वो भी थोड़ा सा भून लेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, वो भी थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, कड़े नमक हमने हल्का डाला, थोड़ा और डाल देंगे। कॉर्न डाल देंगे, कॉर्न बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, टमाटो सॉस डाल देंगे, पिज्ज़ा सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस ना तो टमाटर भी डाल दें, ऐसे हो जाएगा। चीज़ डाल दिया है, आटा हमारा सेट हो गया है, स्टफिंग उधर हमारा ठंडा हो गई है। हमने यहाँ से रोटी बेल ली है, पैटीज के शेप को हम काट लेंगे, जो फिलिंग बनाई थी हम भर देंगे। एक बार इसको जरूर ट्राई करें घर पे अपने। इसको ने सुने से हम दबा देंगे इसको चारों तरफ से ना, ये पैटीज के शेप में आ गया है। स्पून से हम इसका डिजाइन बना देंगे। डिश हमारी बन गई है। इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम पका देंगे, लो फ्लेम में रखेंगे, ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ये लीजिए, हमारे आटे का टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। अब इसको कभी भी बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा।